नमस्कार दोस्तों, जय हिंद और वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बीइंग लॉजिकल विद अंबर। और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमारे स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ेंगे। और आज हमारे साथ जुड़े हैं केजरी बवाल। आप सब मिलकर उनका बहुत स्वागत कीजिए और मेरी तरफ से भी बहुत स्वागत है। नमस्कार केजरी बवाल जी, कैसे हैं आप? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। बहुत स्वागत करते हैं अंबर जी के इस रोडकास्ट पे। केजरीवाल जी, आप जेल से छूटे और देश भर में आप भ्रमण कर रहे हैं, चुनावी आपका प्रचार चल रहा है, कैसा लगा आपको जेल के अंदर और अभी आप फुल ऑन देश वालों से वादे करते नजर आ रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इस पूरी दिल्ली को खास करके, क्योंकि दिल्ली का मालिक हूँ मैं, टैग लगा के घूमता हूँ, सर्टिफाइड हूँ, इस पूरी दिल्ली को शराब पिलाने के लिए एक के साथ एक दो बोतल फ्री देना, आपने दुनिया भर की चीज़ें फ्री सुनी होंगी, शराब कभी फ्री नहीं सुनी होगी। इनको शराब पिलाने के लिए, गली गली में शराब के ठेके खोलने के लिए, अगर 20 साल भी जेल में रहना पड़ जाए तो जेल में रहना चाहता हूँ। आखिर ये लोग क्या चाहते हैं? शराब की बोतल ही तो चाहते हैं। मैं सारे देश में जाके भीख मांग रहा हूँ मैं कि मेरे बेवड़ों को बचा लो, इससे ज़्यादा मैं क्या चाहता हूँ। चुनावी मंचों से तो आप कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन झाड़ू बीजेपी ने चलवाया हुआ है, जो आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं उनको एक एक करके जेल में डाल देंगे, आपको, मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, सबको जेल में डाल रहे हैं और उसके बाद आम आदमी पार्टी सड़क पे आ जाएगी। हम तो सड़क के ही लोग हैं, हम तो सड़क से उठे हुए लोग हैं, हमने सड़क से जैक लगा के हम लोग उठे हुए हैं। अब ये क्या चाहते हैं? ये हमें दबा देना चाहते हैं। लेकिन मैं आप सब साथियों आपको बता दूं, ये लोग कितनी भी, इन्होंने मनीष को अंदर डाल दिया, मनीष का क्या कसूर था? इतना मेहनती आदमी आपने कभी देखा नहीं होगा। दारू मंत्री, शिक्षा मंत्री पूरे देश ने नहीं देखा होगा साथियों। दारू मंत्री भी था, शिक्षा मंत्री भी था, सुबह वो 6 बजे उठ जाता था, वो 6 बजे उठ के सारे स्कूलों को खोलता था, वो खुद खोल के आता था, उसके बाद शराब के ठेकों की बात करता था, वहां से फिर वो सीख के आता था, बच्चों को पढ़ाता था, शिक्षा मंत्री था वो, कि 2 बोटल्स + 2 बोटल्स = 4 बोटल्स। वो गलत क्या करता था? ये तो आप लोग बता रहे हो, ऐसा तो आदमी कभी आया नहीं। 6 बजे उठता था वो, उसे तो बल्कि भारत रत्न देना चाहिए। क्यों देना चाहिए पूछो, बताइए क्यों देना चाहिए? 1 साल से जेल में बंद पड़ा, जुबान नहीं खोली, इसलिए भारत रत्न देना चाहिए उसको। आपने अपनी इंटरिम बेल करवाई, आपने जो आपके साथी जेल में है जिनको आप कहते हैं, आप भटका रहे हैं, देखो आप देश को, आपने उनको जेल जेल से क्यों नहीं रिहा करवाया? आप देश को खाली चुनावी, आपको प्रमोशन आप ही को करना, आप देश को, आप देश को कितना भी भटका लो, देश को भटका नहीं पाएंगे। मैंने बेल नहीं मांगी, मुझे बिना मांगे बेल मिली है, बिना मांगे बेल मिली है, ये तो चमत्कार हो गया। शायद बेवड़ों की दुआएं लग गई मुझे, बेवड़ों की दुआएं लग गई, वो लोग बहुत बहुत परेशान। पर किसकी बदुआ लगी? दिल्ली की माताओं बहनों के? जेल जाके तो अच्छा ही हुआ, मुझे जेल में जाकर देखना था कि जेल में कैसे रहते हैं लोग। मैंने देखा बहुत बुरी हालत थी वहाँ पे। मेरे जाते कल एक कैदी आया मेरे पास, मैं जब जेल के अंदर था, एक कैदी आया, वो कहता केजरीवाल जी हम तो अंदर अपना जैसे तैसे गुजारा कर लेंगे, आप बाहर जाके हमारे भाइयों की सुनना। तो मैं कहना चाहता हूँ ये लोग आपको भटकाएंगे, आपको भटकावे में नहीं आना है। सातों की सातों सीटें जिता के हमें दिल्ली से भेजनी है आपको। एक के साथ 2 फ्री दे रहा हूँ, जरूरत पड़ेगी तो 4 भी फ्री दूंगा, कोई टेंशन नहीं है दोस्तों। इस टेढ़ी उंगली से लेफ्ट साइड में दिल के हाथ रख के आपका भाई वादा करता है, मालिक हूँ दिल्ली का, दिल्ली के मालिक है। दिल्ली के मालिक के शर्ट जो है, हमें पता है कि आपकी शर्ट पे थोड़ा आयन वायन नहीं होती है, पर अभी तो बिल्कुल कॉलर बटन ऊपर नीचे सब हो गया है। नहीं नहीं, ये जेल में ऐसा क्या हाल हो गया? मैं लेफ्टिस्ट हूँ, मैं लेफ्टिस्ट हूँ, तो लेफ्ट वाली कॉलर हमेशा ऊपर रहती है, ऊपर रहती है। ये इधर राइट विंगर दबाते हैं मुझे, तो ये लेफ्ट, ये इधर राइट वाली दबी हुई है। प्रेस की तो कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, दिल्ली के मालिक को फुर्सत ही नहीं है कि वो प्रेस करे, मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, तो ये तो प्रेस का काम है, मेरा काम नहीं है, इस पर प्रेस नहीं हुई, ये प्रेस का काम है। आखिर आपका इतना क्यों ध्यान रहता है कि इतनी ढीली शर्ट पहनता है, ये पहनता है, ये तो मैं एक 4-5 गरीब लोगों को कभी पता नहीं कहाँ जरूरत पड़ जाए कपड़ों की, इसी में से फाड़ के दे सकता हूँ दोस्तों। कोई गरीब आदमी, कल मैं गया, मैंने देखा कि गरीब आदमी सड़क पे लेटा हुआ है, धूप के अंदर परेशान है, वो शराब पी के लेटा हुआ है बेचारा गरीब आदमी, मैंने शर्ट फाड़ी, चद्दर बना दी उसकी। ये तो देश का भला कर रहा हूं मैं, आप लोगों को पता नहीं क्यों इतनी तकलीफ होती है। बहुत टैलेंटेड है हम लोग तो, और आप नई नई चीजें लेके आते हो, कभी ये हो गया, वो हो गया, सत्येंद्र अंदर चला गया, वो तो बेचारा स्वास्थ्य मंत्री था, उसकी तो याददाश्त चली गई, आपको पता ही है, वो सब कुछ भूल गया है, उसको बस इतना याद है कि मेरी याददाश्त गई है, इसके अलावा कुछ भी मैंने, आपने पता होगा आपको उसकी याददाश्त चली गई है, आपको लगता है कि झूठ बोल रहा है, मैंने खुद देखा है उसकी याददाश्त को जाते हुए। कैसे? मेरे सामने निकल के गई है ऐसे ऐसे, मैंने देखा है खुद, हरे रंग की थी, मैंने खुद देखा है, हरे रंग की थी, मैंने खुद देखा है, मेरे सामने गई है वो। मुझे लगा शायद भगवान। अगर दिल्ली पुलिस चाहती, अंबर जी आप अच्छी पत्रकार हैं, आप बहुत सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप बहुत अच्छा एनालाइज करती हैं सारे, आप दिल पे हाथ रख के बताना लेफ्ट साइड में, जब सत्येंद्र, दिल तो थोड़ा सा लेफ्ट, सेंटर टू लेफ्ट होता है, लेफ्टिस्ट है हम,
सेंटर टू लेफ्ट होता है दिल्ली. हम लेफ्टिस्ट हैं, हम तो अलग हैं, हम तो अलग हैं. ये तो दिल्ली की जनता भी मानती है कि हम लोग कुछ तो अलग हैं, हम लोग कहीं से तो अलग हैं. तो आप मुझे बताओ, जब सत्येंद्र जैन की याददाश्त सारी दिल्ली के सामने से गई, सीसीटीवी भी लगे हुए, पुलिस भी खड़ी हुई है, उसकी याददाश्त को जाने कैसे दिया? ये लोग चाहते तो उसको रोक सकते थे ना. अब तो वो रोमिंग में चली गई होगी, बहुत आगे चली गई होगी, कैसे आएगी वापस वो? बहुत मुश्किल सवाल है और बड़ी मुश्किल बात है. हम आपकी विडंबना को समझ सकते हैं कि सत्येंद्र जैन जी की याददाश्त जो बहुत दूर जा चुके. लेकिन एक बार बताइए, आप चुनावी जो भाषण है उसमें काफ़ी बिजी है और प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पे काफ़ी लंबे चौड़े इल्ज़ामों का सिलसिला आपने बनाया हुआ. आपने कहा कि बीजेपी जो है पूरी तरह से डरी हुई है, और क्योंकि आपको बार बार बीजेपी और आप में जो जंग होती है उसमें दिल्ली में बीजेपी को हरा देती है आप, उनसे ज़्यादा सीटें आ जाती हैं, इसलिए उन्होंने एक प्लान बनाया और एक फेक केस घड़ा और आपको जेल में डाल दिया. ये झूठा केस है, ये आज मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बताता हूँ, ये झूठा केस है. झूठा कैसे है बताओ जी, बताइए. अब आप अगर थाली में खाना खा रहे हो और आपने उसमें खाना खा लिया, फिर आप मुझे उसी थाली में खिलाओ तो लोग क्या बोलेंगे? ये थाली झूठी हो गई. तो एक शराब नीति का जो केस आया उसमें मनीष अंदर गया, सत्येंद्र अंदर गया, तो वो केस तो झूठा हो गया ना. उसी केस में मुझे अगर अंदर करोगे तो वो तो केस झूठा हो चुका. तो ये झूठे केस में फंसाया गया है मुझे, मैंने कोई गलत काम नहीं किया. अब हालांकि मैं अपने नेताओं से भी कहना चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत लॉजिकल साइंटिफिक बातें किया करो, क्योंकि लॉजिकल वाला शो है ये. कुछ नेता हमारे जैसे आतिशी बहुत गलत बोल देती हैं, वो हमेशा कहती है चवन्नी भी नहीं मिली. मैं कहना चाहता हूँ, चलनी बंद हो गई. मैं वही कहना चाहता हूँ उनको, ये बातें नहीं करनी. चवन्नी कहाँ से मिलेगी जब चलनी बंद हो गई? तो वो चलती नहीं, जब चलती थी तब भी नहीं मिलती थी चवन्नी. रुपया मिलता है? रुपया मिल. अब मुझे एक बात, जिसकी शराब थी वो शराब पी गया, जिसने पैसा खाना था वो पैसा खा गया. अब ये लोग क्या चाहते हैं मुझसे, मुझे समझ में नहीं आता. बीजेपी की आप लोग बात कर रहे हो, हर जगह धमकाते हैं, हर जगह. अभी अमित शाह जी का आपने इंटरव्यू सुना होगा, सरेआम उन्होंने बोल दिया, सारे पत्रकारों के सामने कह दिया, देखो जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है हम दिल्ली में उनको छोड़ने वाले नहीं है, उनके गुनाहों का हिसाब तो होके रहेगा और इसको कोई नहीं रो. ऐसे धमकाते हैं, तो अच्छी बात. आपको अमित शाह जी को लेकर बड़े शिकायतें हैं, आपने चुनावी मंचों से ये बात भी कही कि जो मोदी जी हैं उन्होंने जो फ्रंट लाइन जो कंपटीशन है पॉलिटिक्स का उसको ख़त्म कर दिया है. जितने भी स्टेट में बड़े मुख्यमंत्री रहे सबका नाम ले लेकर आपने ये बात कही, और आपने कहा है कि अगला नंबर अब योगी आदित्यनाथ का है, और क्योंकि उनको इस बार पीएम बनाना है अमित शाह जी को. आपने बिल्कुल ठीक बोला, मुझे लगता है कि मोदी जी अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं, लेकिन ये बोल के शायद मैंने गलती कर दी, मुझे ऐसा लगता है. क्योंकि जब से उनका नाम लिया तो अमित शाह जी बहुत ज़्यादा उनकी दिव्य दृष्टि मुझ पर पड़ गई है, रोज़ छापे पड़ रहे हैं साथियों. लेकिन मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ, इन बातों में नहीं आना है, सारी दिल्ली जानती है कि आएगा तो मोदी. मैं नहीं कह रहा, ये आप कह रहे हो, मैं नहीं. हम लोग चुनावी कैंपेन कर रहे थे, हमने देखा, क्योंकि मैं तो मोदी जी की सपोर्टर हूँ, आपको इस बात का शायद बुरा लग सकता है. लेकिन हम ये तो डेमोक्रेसी है, देखो ये मोदी जी की सपोर्टर, फिर भी मैं इनको इंटरव्यू दे रहा हूं. पार्टी है उसकी तरफ से नहीं, हम वॉलंटियरली मोदी जी के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे, तो आपकी पार्टी के लोग गुजर रहे थे पीछे से, वो पीछे से कह रहे थे आपकी बार, हमने कहा 400 पार. बड़ा गजब का वीडियो वो मेरे पास है, पूरी सोशल मीडिया पे भी चल रहा है. कैसा लगता है, एकदम जबरदस्त? देखिए इतना नहीं बोलना चाहिए 400 पार, बहुत बुरा लगता है, धक्का लगता है दिल में, क्योंकि हम 20-22 सीटों पे तो कुल लड़ते हैं, ये 400 पे लड़ते हैं. तो कितना बुरा लगता है कि एक टीम 20-22 रन बनाए, दूसरी टीम 400 पार हो जाए, 400 पार हो जाए. अब की बार 400 पार, दिल दहल जाता है, खून खोल जाता है, मन रोता है अंदर से सुन सुन के. और बार बार चिढ़ाते हैं, ऊपर से सबसे गलत जो किया है इन्होंने अंबर जी, क्या मुझे छोड़ दिया इन्होंने. मैं अंदर था तो मुझे खबर भी नहीं मिलती, अब ये लोग मुझे बाहर चिढ़ाएंगे. अंदर रहता तो ये लोग चिढ़ाते भी नहीं कि वहाँ पे जीत रहे हैं, वहाँ पे जीत रहे हैं, वहाँ पे जीत रहे हैं. बहुत गलत हो रहा है साथियों, हर तरह से दबाया जा रहा है. लेकिन मेरा दफ्तर खाली करवाया जा रहा है, बताइए. मेरे दफ्तर को कहते हैं कि कोर्ट की ज़मीन है. अब मैं आज सारे दिल्ली को बता देना चाहता हूँ, वो ज़मीन औरंगजेब मुझे वक्फ करके गया था. तो वो ज़मीन तो आपकी नहीं हो सकती. रिश्तेदार लगते थे वो, हमने अभी पता लगाया है कि इनके ही लोग बताते हैं जी, इनके ही लोग बताते हैं, इनको इनको पता है. या तो औलाद को किया जाता है, औलादुल वक्फ, या फिर कोई आप उस कम्युनिटी से हो, तो आपका कैसे वक्फ से मिल गया आपको? अब ये तो देखो औरंगजेब बताएगा, हमें तो नहीं पता. लेकिन नाता क्या है आपका औरंगजेब से, मैं समझना चाहती हूँ. रिश्ता नहीं होता जी. औरंगजेब जो था
वो औरंगजेब था और हमने लोगों की जेबें भरी हैं, तो वो हमारा उससे जेब का रिश्ता है, जेब जेब का रिश्ता है। हमने लोगों की जेब में पौवा डाला है। अच्छा। हाँ, और रंग वाला तो वो भी औरंगजेब था, तो हमने रंग जेब, जेब रंगी है लोगों की, रंगी जेब, रंगे हाथों हमने पौवा पकड़वाया लोगों को। औरंगजेब दे के गया उस जमीन को, ये कैसे ले सकते हैं हमसे कि हमारा है जी, हमारी है, ऐसे तो नहीं हो सकता। कल को तो ये कह देंगे सब कुछ हमारा है, चांद ले लिया इन लोगों ने, चांद का एक हिस्सा अपने नाम कर लिया, बताओ ऐसा कैसे हो सकता है? आपको पता नहीं है, मुझे कुछ लोग बताते हैं, मैं बहुत सच्चा आदमी हूँ, दिल का आदमी हूँ, बच्चों की कसम खा के बोलता हूँ दोस्तों मैं। बच्चों की कसम? आप झूठी खाते हैं। आपने कहा था कि बच्चों की कसम खाता हूँ मैं, कभी भी चुनाव में नहीं, राजनीति में नहीं आऊंगा, कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करूंगा। मैंने ये तो कहा था बच्चों की कसम खाता हूँ, किसके बच्चों की खाता हूँ ये नहीं बोला था। किसके बच्चों की खा रहे थे आप? ये तो इनकी जांच करनी चाहिए, एजेंसी इनकी, पुलिस इनकी, सीबीआई इनकी, ईडी इनकी, ये जांच करा ले मैंने किसके बच्चों की खाई थी। अपनों की तो नहीं खाई, सही सलामत पड़े हुए हैं वो तो, अपनों की तो नहीं खाई मैंने। अपनों की कोई खाता है क्या? इतना पागल तो मैं नहीं हूँ, पढ़ा लिखा एजुकेटेड आदमी हूँ, दारू मंत्री को शिक्षा मंत्री बनाया मैंने। आपने तो ये कहा था कि आपको कोई लग्जरियस कोई घर भी नहीं चाहिए, आपको वीआईपी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल कुछ भी नहीं चाहिए। आज आपने शीश महल भी बना लिया, आपके पास लग्जरियस कार भी है, सिक्योरिटी भी है, और बहुत खूब पैसा भी आपने कमाया है। हर बात पे आपने अपनी जुबान को फेरा है। ये तो दिल्ली का मालिक जहाँ रहेगा, मैंने अपने लिए नहीं बनवाया, दिल्ली के मालिक के लिए बनवाया है, बहुत महंगा बनवाया है मैंने, इतने महंगे महंगे पर्दे हैं। कौन है दिल्ली का मालिक? दिल्ली का मालिक मैं हूँ, ये देखो। तो आप ही हुए ना, आप ही तो कसम खाई थी। मैंने लेकिन कसम किसकी खाई थी ये नहीं पता आपको? कसम सच्ची खाई होती तो आपको पता होता, झूठी खाई होती तो पता होता। ये तो खाई जाती है, कोई इतना पैसा खा गया, कोई सड़क खा गया, कोई पुल खा गया, अगर मैंने कसम खा ली तो क्या फर्क पड़ता है? आंदोलन किए आपने, आंदोलन आम आदमी पार्टी बनाने से पहले, तब भी आपने कहा था कि कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, और आप कांग्रेस के जितने भी भ्रष्टाचारी नेता थे उनके खिलाफ आप एक बड़ी जंग लड़ने का आपने ऐलान किया था, कुछ भी नहीं किया, आज उनके साथ गठबंधन बना के बैठे हुए। बड़ी जंग चल रही है कांग्रेस के नेताओं के साथ, आज भी बड़ी जंग चल रही है, मैंने उनको अपने साथ मिला लिया है, अब वो मेरे सामने नहीं खड़े हुए हैं। जिनको हमने अपने साथ ही मिला लिया तो उनसे क्या जंग करनी है? जंग तो सामने वालों में होती है। अब जब वो अपने ही हो गए, मेरे लिमिटेड कंपनी में आ गए, तो फिर काहे की जंग है? अब तो वो मेरे संगी से, आपको मैं आज एक बात बताना चाहता हूँ, कुछ बातें हैं जो ये मीडिया आपसे छिपाता है। आपने शीश महल की बात की, चंद्रयान की, चंद्रमा की बात की, जब चंद्रयान गया था एक भौगोलिक घटना हुई थी इस देश के अंदर, ये मीडिया से छिपाया गया। वो कौन सी घटना है? जब चंद्रयान गया उनको रास्ते में एलियंस मिले, उन एलियंस ने बताया कि हम अपने बच्चों को दिल्ली में पढ़ाना चाहते हैं, ये मीडिया से छिपा लिया दोस्तों। कई सीनियर एलियंस आए जिन्होंने बताया कि ऊपर बहुत महंगी मिलती है, हम नीचे जा रहे हैं एक के साथ दो फ्री लेने, वो आ रहे थे, चंद्रयान ने उनको रास्ता नहीं बताया दिल्ली का, वो भटका दिया, उनको मंगल ग्रह की तरफ भेज दिया, ये पाप हुआ है। अगर आज वो एलियंस आ जाते कितना पैसा लेके आते दिल्ली के अंदर, एक के साथ दो लेके जाते, हमारी ब्रांडिंग हो जाती, हम वहां पे भी एक के साथ दो फ्री बांटते, आप सोचो आज हमारा ठेका होता। मोदी जी की साजिश है? मोदी जी ने किया है, चंद्रयान मोदी जी ने भेजा था, उसको बता के भेजा था पहले ही, उसमें ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप किए थे कि रास्ते में कोई भी हमारी दिल्ली की बात करे नेगेटिव बोल रहा है, एलियंस के कान भर दिए, चुगली कर दी इन लोगों ने हमारी। एलियंस के कान होते हैं पता है आपको? एलियंस के कान होते हैं। कैसे पता आपको? उनको पता है, अगर उनके कान नहीं होते तो वो पहलवान होते, पहलवानों के कान टूट जाते हैं, आपको पता होगा, वो तो एलियंस हैं, तो रोबोट हैं। आप हरियाणा से, आपको ज्यादा पता होगा। हमें पता है, हरियाणा से ही है मैं, हम हरियाणा में तो मुझे कोई जिताता नहीं, तो दिल्ली में आ गया। मैं ऐसे हंसता हूँ बहुत। जो देशवासी दिल्ली में इलाज कराने के लिए आते हैं आप उनको कहते हैं कि भाई पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं दिल्ली में इलाज कराने? वो तो आते ही हैं, हमारे लोग भी तो बाहर जाते हैं, हमारे मोहल्ला क्लिनिक्स आपने देखे होंगे कितने सारे बड़े बड़े मोहल्ला क्लिनिक्स, मैंने तो नजर नहीं आए। वो है वहाँ पे, आपने देखा होगा, आप जाना, गायें वाये बैठी होती हैं वहाँ पे। ये भाजपा वाले तो गाय को बहुत मानते हैं, तो अगर मोहल्ला क्लिनिक में गायें बैठती हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है, डॉग्स बैठे होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स के लिए शेल्टर होम है वो मोहल्ला क्लिनिक। गाय और कुत्ते के लिए बना था आम आदमी, वो आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक। हम तो मानवता को जानते हैं, सबके लिए एक है। अच्छा। मोहल्ला क्लिनिक है, आपने उनको हो हल्ला क्लिनिक बना के छोड़ दिया साथियों, ये तो बहुत गलत कर रहे हो आप लोग। बताओ क्या तमाशा लगा रखा हर चीज में, अरे मनीष जैसा शिक्षा मंत्री आज तक नहीं आया, सत्येंद्र जैसा स्वास्थ्य मंत्री नहीं आया, मुझे देखो मैं साइन करता नहीं कहीं पे भी, मैं कहीं साइन नहीं करता, मैं सिर्फ चेक पे साइन करता हूँ। क्योंकि मैं चेक की शर्ट पहनता हूँ, मतलब हर चीज में आपको रिलेशन मिलेगा, जी, मैं समझ बिना रिलेशन के कुछ भी नहीं होता। एक बार बताइए आप
महिलाओं के सुरक्षा की जो वादा है और जो नारे हैं वो सबसे ज़्यादा लगाते हैं। इनफैक्ट निर्भया के समय में भी आपने महिला सुरक्षा की बात की, आपने कहा कि बसों में हम रेंजर्स सॉरी आप मार्शल्स लगाएंगे, और आपने कहा CCTV भी लगेंगे। रेसलर्स की सुरक्षा और उनके अन्याय के लिए आपने देश भर में घूमकर अभी भी आवाज़ उठाई और पहले से आप उठा रहे हैं, लेकिन आप ही के घर के अंदर आप ही की पार्टी की सांसद को पीटा गया आपके PA के द्वारा, उस पर आपने कुछ भी नहीं बोला। आप कह रहे हैं BJP ने करवाया, आपकी पार्टी की सांसद आपके घर के अंदर वाकया होता है आप ही के स्टाफ के द्वारा, आप कहते हैं BJP ने करवा दिया। देखिए, एक तो मार्शल्स की जहाँ तक बात है, मार्शल्स लगे हुए थे कहाँ पे? अब वो क्योंकि उनकी सैलरी नहीं गई तो वो उन्होंने धरना वरना दे दिया है। सैलरी कहाँ से जाती है? या तो दारू पिला लो या इनको सैलरी दे दो। ये तो मुस्टंडे पड़े हुए मार्शल, इनको क्या जरूरत पड़ी तनख्वाह की? ये थोड़े दिन के लिए फ्री सेवा नहीं कर सकते 2-4-5 साल क्या देश की? आपने की फ्री सेवा? हमारा हमने की ना, हमने तो या तो देखो, हम एक वर्ग की सेवा कर सकते हैं, सबकी नहीं कर सकते। हमने इतनी शराब पिला दी, उसका कोई मोल नहीं है आपकी नज़र में, वहाँ सारा खर्चा हो गया ना। और आपने जहाँ तक स्वाति मालीवाल जी की बात की है, आप एक बात बताओ, हमने जो शराबें पिलाई लोगों को, उसका मकसद उसका क्या है? वो कौन पीता है और वो पी के क्या करता है? कोई आदमी शराब पी के जो 2-2, 3-3, 4-4 बोतल शराब की पी जाता है, वो अपनी महिला को प्यार तो नहीं करता होगा, मारता ही होगा ना, तो वो पी के मार सकता है? तो महिलाएं सड़कों पे उतरी थी और आपके आपका एकदम आप झाड़ू चलाइए आपके ऊपर? नहीं नहीं, अब क्योंकि वो जो पी के अपनी महिलाओं को पीटते हैं, पीए हुए होते हैं वो, तो मेरा तो वो पीए ही था, वो तो था ही पीए, तो उसका तो हमने तो एक एक्सपेरिमेंट किया है कि हमारी जो नेता है अगर वो एक पीए से नहीं लड़ सकती है, वो इतनी बड़ी भाजपा से कैसे लड़ेगी? हमने तो वो टेस्ट किया है, करवाया है, ये है वो है, पूरा टोटली अगेंस्ट आपने स्टैंड ले लिया। आतिश जी ने बिल्कुल ठीक कहा, ये भाजपा का मुझे लगता है प्रायोजित था, तालमेल नहीं है। बल्कि मुझे तो क्योंकि कुछ लोग जो मोदी जी से मिलके आते हैं वो हमें भी जानते हैं, वो हमें भी बताते हैं आके, उन्होंने बताया कि 20 लाख करोड़ रुपए दिए का ऑफर दे दिया स्वाति को, 20 लाख करोड़ रुपए का ऑफर दे दिया, ठुकरा दिया उसने, मानी नहीं वो 20 लाख करोड़ रुपए को ठुकरा के वो आई है, तो इसलिए पीए ने पीटा कि हमें दे देते 20 लाख करोड़। हमारे यहाँ समझ में तो कुछ सोशल मीडिया पे कुछ और आ रहा है, चल रहा है कि सुनीता भाभी और स्वाति जी की अनबन है, खटपट है, उनको कुछ पसंद नहीं है। देखो, एस फॉर सुनीता, एस फॉर स्वाति, तो राशि एक ही है और राशि का चक्कर है सारा, इतनी राशि जो हमने जो वो सारा किया है आपको पता ही है, 400 राशि का चक्कर है, तो वो दोनों की एक राशि है, राशि मैच नहीं करती, और कोर्ट भी हमसे ये पूछ रहा कितनी राशि थी, कहाँ लगाई, तो ये थोड़ा सा वो वाला मामला है, बहुत ज्योतिष विज्ञान टाइप का मामला है। एक बार बताइए, आप ऑपरेशन झाड़ू झाड़ू बहुत कर रहे हैं, वो क्या है आखिर ऑपरेशन झाड़ू? ऑपरेशन झाड़ू ये है कि आपने इनके नारे सुने होंगे भाजपा वालों के, भारत माता की जय, वंदे मातरम, एक नारा ये लोग बैक स्टेज लगाते हैं, बहुत गंदा लगता है दिल में, मतलब बता नहीं सकता, झाड़ू की सीखें चुभ जाती है दिल के अंदर, इतना गंदा नारा वो लगाते हैं, कहते हैं कि सारे काम बिगाड़ू का मोर बनेगा झाड़ू का, तो ये तो अच्छी बात नहीं है, तो ये ऑपरेशन झाड़ू है, झाड़ू का मोर बनाना चाहते हैं दिल्ली के अंदर, देसी कहावत है ये, बहुत बुरा होता है इसका मतलब। एक मिनट मैं भी हंस लूँ। यूट्यूब पे डाल दे इसको। हाँ जी, आप बोलिए। आप ये एक्सप्लेनेशन काफी अलग थी, एजुकेटेड आदमी जी, पढ़ा लिखा हूँ, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि काफी पढ़ा लिखा आदमी, दारू मंत्री को शिक्षा मंत्री बनाया मैंने, समझ में आता है। लेकिन आगे आपने, आप जेल से निकले, आपने 10 बड़े वादे जनता के आगे रखे, जो आपने दिल्ली में भी वो वादे किए, आप दिल्ली में तो वो वादे पूरे कर नहीं पाए, आप देश की जनता को वो इतने बड़े वादे कैसे करेंगे पूरे? आप कौन सा वादा पूरा नहीं किया मैंने? आप पानी फ्री, बिजली फ्री, स्कूल, अस्पताल, देश भर में सब कुछ आप फ्री में कर देंगे, कैसे करेंगे? दिल्ली में नहीं कर पाए, पंजाब में नहीं हो रहा, तो कैसे करेंगे? सब कुछ फ्री कर दिया, मतलब फ्री है, आप यमुना पे जाओ, आपको कोई पानी लोटे भर के ले आओ, आपको कोई मना नहीं करता है। पानी कहाँ मिलता है, उसमें काले कीचड़ होती है? नहीं नहीं नहीं, अब आप जाओ, सफेद झाग मिलते हैं, हमने पानी को धो दिया है, वो झाग मिलते हैं सफेद, वॉशिंग पाउडर मिला दिया है, साइंटिफिक है, यानी ऊपर से गंदा कुछ आएगा तो वो झाग रोक लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, वो नीचे साफ पानी रहता है, साइंस मनीष फिजिक्स बताता है ना, वो वाली फिजिक्स, तो वो पानी में फिजिक्स थोड़ी ना होती, पानी तो केमिस्ट्री में होता है। नहीं, मनीष ने बताया तो, वो एजुकेशन मिनिस्टर था, वो कहता रहा फिजिक्स होती है, पानी फिजिक्स होता है, होता होगा वो, अगर कह मनीष झूठ नहीं बोल, 6 बजे उठ जाता था, झूठ नहीं बोल सकता वो। पानी फिजिक्स होता है, ये भी एक एक्सक्लूसिव आज हमें जानकारी मिली है, ये भटकाया गया है आज तक कि ये केमिस्ट्री होता, अरे मन से जो कह दो वो होता है, हमने कह दिया फिजिक्स होता है तो फिजिक्स होता है, इसमें क्यों कंट्रोवर्सी है? मालिक हूं दिल्ली का, दिल्ली के मालिक ने कह दिया कि इसमें भूगोल होता है तो भूगोल होता है। चलिए, भूगोल तो मान सकते हैं क्योंकि जमीन पे है, लेकिन
फिजिक्स कैसे है ये? फिजिक्स होता है, मनीष ने बताया, आपने एक वीडियो देखा होगा कि पानी आता है तो उसमें कीचड़ रह जाता है, ये वो फिजिक्स होता है। होता होगा केमिस्ट्री, पर फिजिक्स भी होता है, दोनों कजन होते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री, कोई एक ही कुनबे के लोग हैं। अब आप इनमें जातिवाद पैदा मत करो फिजिक्स प्लीज, केमिस्ट्री में पहले ही बहुत बढ़ चुका है हमारा देश, अब और मत बांटो। साथियों मेरे देश को बचा लो। आप देश के लोगों को कितना आप बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, और बड़ी भली भांति आप कर भी पा रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि बीजेपी आपसे डर रही है और आपसे डरती आई है क्योंकि पिछली बारों में हर बारी में हार मिली है उनको, तो डर लगता अगर है, आपको लगता है कि बीजेपी इतनी डरी हुई थी तो आपने दिल्ली में सारी सीटों पर क्यों चुनाव नहीं लड़ा, क्यों आपने गठबंधन किया? देखिए बीजेपी मुझसे डरती है, नंग से तो भगवान भी डरता है, डरते हैं इनको। सारी सीटों पे चुनाव इसलिए नहीं लड़ा क्योंकि हम तो मिल बांट के खाने, आपने सुना होगा अभी तिहाड़ जेल के अंदर जेल नंबर 3 में 2 कैदियों में झगड़ा हो गया खाने पे और एक की डेथ हो गई, आपने सुना अभी रिसेंटली हुआ है। कितना कितना वैमनस्य से फैल गया समाज के अंदर, खाने पे झगड़ा हो गया, हमने कितना खाया, हमने तो किसी का कत्ल नहीं किया, मनीष ने मेरा नहीं किया, मैंने सत्येंद्र का नहीं किया, हम तो चुपचाप खा गए। तो हमने 4 सीटों पर लड़ने का फैसला किया है और 3 सीटों पे वो लोग मिल बांट के खाने का मकसद है हमारा, हम अकेले नहीं हारना चाहते, सारे मिल के हारेंगे, इसलिए हमने इनडी गठबंधन में, एक मिनट मेरा फ़ोन आ गया लगता है, नहीं आ रहा, हमने इसलिए इनडी गठबंधन में हम लोग शामिल हुए हैं, अगर हम अकेले हारेंगे तो ये लोग चिढ़ाएंगे, अब लोग आपस में डिवाइड हो जाएंगे, तेरी वजह से हार गए, वो कहेगा नहीं नहीं तेरी वजह से हार गए, राहुल जी कहेंगे तेरी वजह से हार गए, तो हम जनता को भट, राहुल जी को तो आप जानते हो, हमने उनके साथ बताइए इनडी गठबंधन बना, ठीक है, अब इंडी गठबंधन का पीएम कैंडिडेट, पीएम का चेहरा, या आपके हिसाब से जैसे कि आप कह रहे हैं कि आपका जो गठबंधन है वो जीतेगा, तो पीएम कौन बनेगा? कोई भी नहीं बनेगा क्योंकि जीतना तो है नहीं। नहीं आपके हिसाब से अगर जीतता है तो पीएम कौन बनेगा? हमारे हिसाब से नहीं जीतते, जनता के हिसाब से जीतते हैं। वो तो हमें पता है, लेकिन आप लोग तो कह रहे हैं कि हम ही जीतने वाले हैं। अगर हम जीते तो मैं बनूंगा क्योंकि राहुल जी के पास कोई विजन नहीं है दोस्तों, सारी दिल्ली के सामने बता रहा हूँ, उनका एक ही विजन है, मेरी उनसे बात होती है जेल से आने के बाद भी होती क्या है। क्या कहते हैं राहुल जी? मैं उनको जब भी कहता हूँ राहुल जी आपको पीएम बनना चाहिए कि मुझे बनना चाहिए, मैं कहता हूँ मुझे बनना चाहिए, आपको क्यों बनना चाहिए, उनका एक ही काम है, मैं कहता हूँ आपको क्यों बनना चाहिए, वो कहते हैं मैं पैदल चला हूँ, मैं उनसे कहता हूँ सर वो तो ठीक है लेकिन आप अमेठी से क्यों नहीं लड़े, मैं पैदल चला हूँ, मैं उनसे फिर कहता हूँ कि मोदी जी की 400 सीटें आ रही हैं तो लोग आपको क्यों जिताएंगे, मैं पैदल चला हूँ, उनके पास एक यही है मैं पैदल चलाऊं यात्रा करिए, दिमाग से पैदल हो गया मैं उनकी बात सुनते सुनते, थका ठक एक ये बहुत गलत, देखो ये दोस्तों इस मीडिया की साजिश है, ये लोग थका ठक में और खटाखट में देश को भटका देना चाहते हैं, ये नहीं देख रहे कि धका धक हमारा क्या चल रहा है, ये खटाखट और ठकाठक क्या लेना देना इसका देश की राजनीति से। आप जिनके साथ गठबंधन करके बैठे हैं वो खटाखट और ठकाठक में ही फर्क नहीं कर पाते, मैं उनसे बात करूंगा कि कोई एक शब्द चुन लें कॉपीराइट करवा लें उसको, ये बहुत बुरा लगता है कि वो ठकाठक कहते हैं मोदी जी इसको फटाफट पता नहीं क्या खटाखट बताओ ये क्या क्या कर दिया है हाल देश का इन लोगों ने, ठकाठक खटाखट खटाखट, और जो लोग शराब पी गए घटाघट उनका कुछ नहीं है दिल्ली के, तो आपका है ना घटाघट, हाँ तो वो घटाघट मेरा, यानी कि अब ये टक टक एक सबका एक होना चाहिए पॉलिटिक्स में, सबको बराबर का हिस्सा, नर्सरी वाली राइम्स आ गई हैं, यानी कि एक वो कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए सबके लिए, भाई ठकाठक तेरा फटाफट तेरा घटाघट आपका घटाघट घटाघट तो मेरा होगा, घटाघट किसी का नहीं, उनका खटाखट हो गया राहुल जी का, मोदी जी का खटाखट खटाखट काम कर रहे, मोदी जी का खटाखट हो गया और खटाखट काम कर रहे पूरे देश में, हाँ और कहना नहीं चाहिए ईडी वाले का फटाफट हो गया, गुड जोक फटाफट सबको अंदर, गुड जोक फटाफट अंदर कर रहे हैं वो लोग, ईडी वाले बहुत अच्छे लोग हैं दोस्तों, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, किसी को सीडी पकड़वा देती है किसी को ईडी पकड़वा देती है, ये तो चलता रहता है, पहले कांग्रेस आई फिर सीबीआई, सब एक ही बात है, कोई सब अपने ही लोग हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो काम करना है, हम तो जेल से भी काम कर रहे हैं, सत्येंद्र स्वास्थ्य मंत्री, आपके ऊपर भ्रष्टाचार का इल्जाम लगा, आपने कहा था कि आप भ्रष्टाचार के अगेंस्ट आप लोगों ने बड़ा आंदोलन खड़ा किया, फिर उसके बाद पार्टी भी बन गया, हालांकि आपने कहा था कि कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है बट फिर भी हुआ, लेकिन अब आपके पास जब आप ये आंदोलन चला रहे थे भ्रष्टाचार का, तो आपने कहा था कि अगर किसी का भी नाम आ जाए तो उसको नैतिकता के आधार पर रेजिग्नेशन दे देना चाहिए, आप जेल में रहकर आए आज तक आप रेजिग्नेशन की बात नहीं कर रहे। मैं अपना इस्तीफा कभी नहीं दूंगा, सॉरी मैं नहीं दूंगा,
ना 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 ना, ये लोग मेरा शीश महल छीन लेंगे, फिर मैं छप्पड़ छप्पड़ करके नहाता हूँ करोड़ों रुपए के स्विमिंग पूल में। इतना महंगा बनवाया पता है, पर्दे रिमोट से खुलते हैं। अच्छा। और उस रिमोट का भी एक रिमोट है, पहले उस रिमोट से वो रिमोट चलता है, फिर वो रिमोट तो से पर्दे खुलते हैं। आदमी बिठा रखे हैं रिमोट चलाने के लिए, बहुत बिठा रखे हैं। घड़ियां हमारे उसमें ऐसी हैं, मैं ऐसे करता हूँ यहाँ टाइम आ जाता है, ऊपर देखता हूँ वहाँ घड़ी बनी आ जाती है। बल्कि आज मैं एक्सक्लूसिवली बता रहा हूँ क्योंकि अपने अंदर देखा नहीं है, वो कई घड़ियां तो इतनी महंगी हैं, वो खुद सुबह आके उठाती हैं, सर 8 बजे उठ जाओ। 8 बजे उठते हैं आप? मोदी जी तो बहुत जल्दी उठ जाते हैं। नहीं नहीं, मोदी जी के बाद मनीष उठता है 6 बजे, फिर मनीष के बाद मैं उठता हूँ 8 बजे। मनीष सारे काम करके आता है क्योंकि डिप्टी है, फिर मैं हूँ, तो वो कहता है सर आपने काम कर लिया, अब आप करो, फिर मैं करता हूँ, ये होता है। अब आपने कहते कि ये नहीं लूंगा वो नहीं लूंगा, रेजिग्नेशन की बात मैंने आपसे पूछी थी। मैं इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा आज, ये सारे देश को जान लें। एक तो मैं अपनी चीज़ है, मौलिक अधिकार है मेरा, मैं अपनी चीज़ क्यों दूँ? अब ये मेरा है, ये राम मंदिर का मॉडल ही आपका है जी, आपकी मर्जी है मुझे दो ना दो, तो मेरा इस्तीफा है, मैं नहीं दूंगा, ये भाजपा वाले गंदा कर देंगे उसको। मैं नहीं दे सकता, गंदा कर देंगे उसको ये लोग। मैंने शीश महल में जो हीरे में जड़वा के रखा हुआ है वो, मैं नहीं दूंगा इस्तीफा, मैं नहीं देने वाला, ये लोग गंदा कर देंगे उसको, फाड़ भी तो सकते हैं। तो जनता के पैसे से बनाया ना, आपका पर्सनल पैसा थोड़ी लगा उसमें। जनता के पास पैसा कहाँ से आया? अगर मैं दिल्ली का मालिक हूँ तो दिल्ली की जनता मेरी नौकर हुई, तो दिल्ली की जनता के पास जो पैसा आया है उस पर मालिक का अधिकार होता है। ये देखो, सबसे ईमानदार आदमी हूँ, सबसे ईमानदार आदमी हूँ मैं, हमेशा कहा करता हूँ कि ये लोग आपको भटकाएंगे, इस्तीफा मांगेंगे, इस्तीफा नहीं दूंगा साथियों, चाहे कुछ भी हो जाए। आज मैं अंबर जैदी जी के चैनल पे सारी दिल्ली के सामने लेफ्ट साइड में दिल पे हाथ रख के टेढ़ी उंगली के साथ बता रहा हूं साथियों, अगर मैंने कोई घोटाला किया है, अगर शराब नीति में कोई 1 रुपए की चवन्नी की भी अगर कोई मेरे वो मिल जाए, कोई इल्जाम लग जाए, अंबर जी आपके सामने कह रहा हूं सरेआम चौराहे पे फांसी दे दो मनीष को। आपको क्यों नहीं? नहीं नहीं, मनीष भगत सिंह है, उसका भगत सिंह बनाना है। भगत सिंह का फोटो आप पीछे लगा के रखते हैं? पीछे लगाते हैं, उनकी उन्हीं की प्रेरणा है, मैं इनको भगत सिंह बता भगत के इनको चढ़वा के देश के लिए फांसी खाई, पूरे देश के लिए कुर्बानी दी। आप किस तरह के आप आदर्श का क्या रखते हैं और आप कर्म किस तरह के करते हैं? ऐसे ही होता है, शोरूम में माल कुछ होता है, डब्बे में निकल, पैकिंग अच्छी होनी चाहिए, हमारी पैकिंग बहुत अच्छी है। कुछ नहीं फर्क पड़ता साथियों, बहुत देश की जनता को आप बेवकूफ बनाने के निकल गए दिल्ली के बाद। हम नहीं बना रहे देश की जनता को बेवकूफ, देश की जनता ने बेवकूफों को चुना है, ये आप बोलिए, ये तो उनकी कमी है कि हमें क्यों चुन रहे हैं, अगर हम इतने बुरे हैं तो हमें चुन क्यों रहे हैं वो लोग। अब आप लोग हमारी चीज को ना हर बार गलत बता के दिखाते हो, हमने मोदी जी की डिग्री मांगी आपने उसको भी गलत माना, गलत नहीं है वो, मैं अपने बच्चे को दिखाना चाहता हूँ कि बड़ा होकर ये वाला कोर्स करना है आपको, आपको गलत लगता है? हाँ, हम तो वो तो हमारे आइडल हैं, आदर्श हैं हमारे, वो तो कभी गलत नहीं बोलते। उन्होंने AK-47 बोला एक बार, मुझे अच्छा लगा, मुझे क्या बात है, AK-47 अच्छा लगता है मुझे। कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है साथियों, ये सब ऐसे ही चलता रहेगा, जेल चला जाऊंगा, 2 जून को अंदर जाना है मुझे, 2 जून की रोटी खाने के लिए जेल नंबर 2 में, 2 नंबर के काम के लिए दूसरी बार जेल जाएगा आपका भाई। क्या बात, मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे कोई जेल आप जाकर दिखा दो, जेल हमने आप जाकर दिखाओ ना, हम तो मालिक ही नहीं है दिल्ली, बहुत बड़ा सीना चाहिए, 56 इंच से थोड़ा सा कम चाहिए बस। ऐसे नहीं है कि जेल चले जाओगे कोई भी, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत दारू बांटी है, पेटियां बांटी हैं और महिलाओं को बांटी है हमने, एक के साथ दो दो फ्री घरों में, पिताजी को देखो सुबह बच्चों को छोड़ने जाते हैं स्कूल में, सामने ही शराब का ठेका, एक साथ दोनों काम हो जाते हैं, बच्चे को भी छोड़ाते हैं शराब भी ले आते हैं, दोनों काम, वरना शाम को। और आपको क्या लगता है कि शराब खोल के हमने कि बहुत गलत काम किया, कितना फायदा हुआ इससे देश का? कौन कौन से फायदे हुए? अरे पहले आदमी को शराब पीनी होती थी, कई कई किलोमीटर दूर जाता था, वो शराब पी के गिर जाता था, कोई बचाने वाला नहीं मिलता था गरीब आदमी को, आज घर के बराबर में खुलवा दिया है, अगर गिर जाता है तो कोई ना कोई तो बचा लेता है, चाचा मामा कोई ना कोई तो बचा लेता है। गरीब आदमी अंग्रेजी नहीं बोल पाता था हमारे दिल्ली के अंदर, ये हमने शिक्षा नीति का स्तर चलाया है कि आज रिक्शा वाला भी अंग्रेजी भी मांगता है, बडवाइजर दे दो, किंग फिशर दे दो, रॉयल स्टैग दे दो, ये वाली दे दो, इससे शिक्षा नीति का स्तर बढ़ता है, आपको पता नहीं है। मनीष को भारत रत्न मिलना चाहिए इसके लिए। बिल्कुल। क्यों मिलना चाहिए बताओ? क्यों? 1 साल जेल में बंद पड़ा, 1 साल से जुबान नहीं खोली, इसलिए मिलना चाहिए। क्या बात है, लॉजिक होता है एजुकेटेड आदमी में। जी मैं आपके लॉजिक्स बड़े अच्छे से समझ रही हूँ एकदम, लॉजिकल बींग लॉजिकल विदम्बर। दिल्ली में आपकी राजनीति सबने देखी है, अब आप देश के लिए निकल चुके हैं, काफ़ी चार्ज अप नज़र आ रहे हैं देश को, खासतौर से जनता को, आप वही दिल्ली की जनता की तरह बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं,
आपके राजनीतिक उद्देश्य तो थे नहीं, लेकिन फिर भी आप देश भर में जो आपकी महत्वाकांक्षाएं वो नजर आ रही है राजनीतिक, ये जो दोगली जबान है ये किस तरह कहाँ से आती है? अगर मेरे पास दो जबानें हैं तो यानी मैं स्पेशल चाइल्ड हूँ, इसका मतलब तो ये हुआ बहुत टैलेंटेड। स्पेशल चाइल्ड का मतलब आपको पता है क्या? मुझे होता पता है? अगर एक जुबान से आदमी इतने सारे भाषण दे सकता है, आश्वासन दे सकता है, दो दो जुबान से, एक जुबान पंजाब में चलेगी, एक जुबान दिल्ली में चलेगी, देश भर में कौन सी जुबान चलेगी? वो दोनों मिला के एक चलेगी, दोनों टू इन वन चलेगा देश के अंदर। या तीसरी जबान कोई आने वाली है? नहीं नहीं, तीसरी नहीं आती, क्योंकि तीसरी के बाद फिर चौथा हो जाता है, चौथा अच्छा नहीं होता, फिर तेरहवीं हो जाती है तो अच्छा नहीं लगता। मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, हमने दिल्ली में जैसे 500 नए स्कूल बनाए, मैं सारे देश को जाके बताता हूँ। अब एक भाजपा ही आ गया मेरे पास, वो मुझे कहता जी मुझे 500 स्कूल दिखाओ। अंबर जी, मैंने उसको 2000 स्कूल गिनवा दिए, एक ही बिल्डिंग दिखा के मैंने उसको 2000 कैसे? मैंने उसको बिल्डिंग दिखाई, मैंने कहा देख एक स्कूल है, पर वो भाजपा ही था, जिद्दी था बहुत, कहता जी 500 दिखाओ। मैंने कहा सुन भाई, इसमें सुबह लड़कियां आती हैं, शाम को लड़के आते हैं, दो तो ये हो गए। आप किसी क्लास में जाओगे तो कोई बच्चा ये नहीं बोल के आता घर पे कि मैं क्लास में जा रहा हूँ, क्या बोल के आता है? स्कूल जा रहा हूँ। यानी एक कमरे में 50 स्कूल बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे 30 कमरे हैं स्कूल के अंदर, 50 × 30 कितने हो गए, इतने हो गए। और स्कूल के सामने शराब का ठेका बनाया, ये तो सारे दिल्ली ने देखा है। तो भगवंत मान ने बताया कि एक अच्छा पैग लगा लो तो एक स्कूल के दो दिखाई देते हैं, दो तो ये वाले भी मानने पड़ेंगे ना, ऐसे तो करके 1000 बना रखे हैं। इन सबको यूट्यूब पे डाल दो, साथियों सब देख लेंगे। तो यही मॉडल आप देश भर में अपनाएंगे? अपनाना चाहते हैं लेकिन देश की जनता अपनाने नहीं दे रही। वो मैं तो सबसे कहना चाहता हूँ कि अभी भी मौका है, संभल जाओ, 25 तारीख को और 1 तारीख को चुनाव है, दिल्ली वालों सारे संभल जाओ, पंजाब हिमाचल वालों, अगर ये नरेंद्र मोदी आ गया ये फ्री की दारू नहीं बटने देगा। अंबर जी के चैनल पे बता रहा हूँ, अगर नरेंद्र मोदी आ गया ये स्कूल के सामने शराब का ठेका नहीं खुलने देगा, मंदिर के सामने तो ये बिल्कुल भी नहीं खुलने देगा। जाग जाओ, अभी भी समय, कब तक पी के पड़े रहोगे, जाग जाओ, क्रांति लेके आओ। शराब सबसे अच्छा काम करते, शराब पी के सो जाओ, कुछ भी नहीं दिखाई देगा आपको, सब कुछ अच्छा अच्छा हैपनिंग लगेगा बहुत। मुझे भगवंत मान ने बताया बहुत अच्छा हैपनिंग लगता है। भगवंत मान तो पार्लियामेंट में भी चले गए थे, वो कफ सिरप पी के वो जा सकता है क्योंकि वो जीता हुआ है था लोकसभा में, हम तो जीत नहीं पाए, वरना हो सकता है हम भी चले जाते। कफ सिरप से मुझे याद आया कि मुझे लोग बताते हैं कि मुझे अपने टंकी में कफ सिरप भरवा लेनी चाहिए, खांसी बहुत रहती है। लेकिन पता नहीं क्या हो गया कि जेल में ऐसा क्या हुआ कि 50 दिन में खांसी ठीक हो गई मेरी। क्या था ऐसा? मुझे नहीं पता क्या था, मैं बताना भी नहीं चाहता, बहुत बुरा था, लेकिन खांसी ठीक हो गई। दोस्तों तिहाड़ का कुछ एक्सपीरियंस बताइए, कैसा रहा तिहाड़? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, हमने तिहाड़ में रह के भी दिल्ली वालों के लिए कभी भी उनकी सेवा का मौका नहीं छोड़ा। आज मैं एक्सक्लूसिवली दिल पे हाथ रख के लेफ्ट साइड में बता रहा हूँ, सत्येंद्र जैन को अंदर किया इस्तीफा लेने से पहले, उसने बहुत सेवा की दिल्ली की, बहुत सेवा की दिल्ली की। उसने शिक्षा, सॉरी स्वास्थ्य का, ये मक्खी आ गई, स्वास्थ्य का उसने इतना वो वहाँ पे बीड़ा उठाया, आपको नहीं पता होगा, आपको लगता होगा कि वो तो अंदर पड़ा हुआ है, कुछ नहीं काम चल रहा। ये देखो, ये मोदी जी ने भेज दिया इसको, ये मोदी जी ने, ये कह रहे हैं कि इसके भाग्य पे बैठ जाए, भाग्य होता है यहाँ पे, ये मेरे भाग्य पे मक्खी बैठ गई। भाग्य तो आपका काफी मजबूत है, बहुत बहुत मजबूत है, स्टील का बना हुआ है काफी जी। बताइए तिहाड़ का। तिहाड़ में उसने क्या किया सत्येंद्र जैन ने? हंसना नहीं है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं, दिल पे हाथ रख के बता रहा हूँ अंबर जी, टेढ़ी उंगली के साथ बता रहा हूँ। okay. उसने बहुत अच्छा काम किया है, उसने दिल्ली वालों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा है, उसने तिहाड़ जेल से GTB हॉस्पिटल तक सुरंग बना दी नीचे। अच्छा। हाँ, सुरंग बना दी, आपको लगता होगा लेकिन जिन लोगों ने देखा है रात को उनको पता है, वो रोज रात को सुरंग से जाता है जब सारे जिलर विलर सब सो जाते हैं। अच्छा। वो सुरंग से जाता है GTB हॉस्पिटल में, सारे मरीजों की ग्लूकोज ड्रिप और ये दवाइयाँ ववाइयाँ इंजेक्शंस दे के आता है, रात को आके सो जाता है, मानवीय सेवा का काम कर रहा है वो। बीच में रास्ते में बहुत सारे वो सुरंग बनाई उसने, बहुत मेहनत लगती है सुरंग बनाने में, नाखूनों से खोद खोद के मेहनत से बनाई है उसने। रास्ते में बहुत बड़े पत्थर आ गए सुरंग को रोकने के लिए। वो नाखून कौन से वाले हैं? वो नाखून होते हैं, वो सत्येंद्र जैन जानता है, वो बहुत बहुत हैवी आदमी है वो। दिल्ली में मेट्रो बनाने में तो बड़ा टाइम लग जाता है अंडरग्राउंड, तो इतने छोटे वक्त में इतनी लंबी, दिल से जब दिल में सच्चाई होती है ना, रास्ते के पत्थर खुद हटते चले जाते हैं। रास्ते में बहुत बड़े पत्थर आ गए सत्येंद्र जैन जब वो खोद खोद के सुरंग बनाने लगा। इंसान तो रहे नहीं, नहीं नहीं, जैसे ही पत्थर आए उसने उनको न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल दिखा दिया, पत्थर हट गए, बोले तो बहुत बड़े आदमी है। ईश्वरीय अवतार, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ऐसे आदमी बहुत बहुत कम बार पैदा होते हैं साथियों, बहुत कम बार पैदा होते हैं।
अब समस्या क्या है कि मेरी पार्टी में सारे पीएम बनना चाहते हैं, सीएम बनना चाहते हैं, माफ करना, दिल्ली का आतिशी को लगता है कि मैं सीएम बन जाऊंगी, संजय सिंह तो मानता ही सीएम है अपने आप को, और सौरभ भारद्वाज भी अपने आप को सीएम मानता है, जल्दी रेड पढ़वाता हूँ, उसको भी अंदर भेजता हूँ, और बची मालीवाल, नहीं नहीं उनका तो मुझे लगता है कि अब उनको जाने का वक्त आ गया, अब उनके बदले उनसे आप क्यों उनकी कुर्सी छीनना चाहते हैं? मैं नहीं छीनना चाहता, उन्होंने हरकतें ऐसी की है, मुझे हरकत की है? मुझे लगता है कि महिलाओं को दिल्ली के विकास के लिए अपना बलिदान देने के लिए आगे आना चाहिए, अब कोई आम महिला क्यों आए, मेरी एमपी आएगी वो बलिदान देगी देश के लिए, दिल्ली के लिए बलिदान देगी, वो बलिदान देगी तो फिर अभिषेक मनु सिंह भी आ जाएंगे उनके सामने, वो बहुत अच्छे वकील हैं, वो मेरी जमानत कराते हैं, जमानत मिल गई है, मैं जन्मत भले ही ना मिला वो जमानत मिल गई है, जन्मत से फर्क भी नहीं पड़ता, जन्मत से फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो जबरदस्ती थोप देते हैं, नहीं नहीं वो तो उनको देखो हमें पता है कि हमें कौन देता है, अगर मैं जेल के अंदर चला गया तो आप मुझे खुद बताओ रोहिंग्याओं की बांग्लादेशियों की मदद कौन करेगा, कौन करेगा? आपकी पार्टी के विधायक करते थे सारे के सारे, वो नहीं करते, मुझे खुद करनी पड़ेगी, मैंने तो जब मैं रिहा होकर आया जमानत पे इतने सारे पटाखे जलाए, कितना अच्छा, देखो पोल्यूशन भी कम हो गया उससे, दिवाली पे जब जलाते हैं तो पोल्यूशन बढ़ता है, ये साइंस फिजिक्स यही होती है, फिजिक्स जो मैं बता रहा था। अच्छा। अब जब वो छूट के आए तो क्योंकि वो खुशी में अच्छे मन से बजाए हमें पटाखे हैं, अब ये दिवाली पे रात को 2-2 बजे पटाखे जलाते हैं, कोई चोर उचक्के रात को अपने काम पे निकलते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं इनके पटाखे वटाखे जलाने से, कितना बुरा होता है, कोई सो रहा है आराम से शराब पी के उसको ये भट 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 उसके सर पे कर देते हैं, अच्छा तो नहीं लगता, बहुत बुरा लगता है, तो मैं तो हमेशा ये कहना चाहता हूँ कि वो जो गाना मैं गाता हूँ हमेशा, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, ऐसे मैंने जेल में बहुत गाने बनाए हैं अंबर जी, मैंने बहुत गाने बनाए हैं, एक आध गाना सुना दीजिए। मैंने वो बनाया था सबसे पहले तो, सब तो मिला के पीते हैं पानी, मैं बहुत बुरा गाता हूँ लेकिन कोई बात नहीं, मेरे गले का दर्द आपके सर में आ सकता है लेकिन आप कोई सुनना, बात नहीं, बर्दाश्त कर ले, मैंने गाया इतना बर्दाश्त किया इतने सालों, संजय ने मुझे सिखाया है गाना भी कि सब तो मिला के पीते हैं पानी शराब में, राइमिंग देखना तालियां आएंगी आपकी, लेफ्ट साइड में हाथ रख के बता रहा हूँ, सब तो मिला के पीते हैं पानी शराब में, हम मिला के पी गए राजधानी शराब, क्या बात है, अच्छा है ना, बहुत अच्छा गाता हूं, बहुत बढ़िया, बहुत मैं टैलेंटेड, इंडियन आइडल में जा सकता हूं मैं, बहुत लोग, आप जज बन सकते हैं इंडियन आइडल क्या? मैं बन सकता हूं, मैंने एक और गाना आया था बिल्कुल, परदेसियों को ना पौवे पिलाना, परदेसियों को ना पौवे पिलाना, परदेसियों को है सब भूल जाना, आ दर्द वाला आए, बहुत दर्द क्यों हुआ, दर्द होता है दिल में, दर्द लगता है कि जनता की इतनी सेवा करने के बाद, इतनी सेवा करने के बाद अगर जेल में डाल दिया जाए तो दर्द होता है, इसी दिन के लिए तो मैंने शराब नहीं पिलाई थी इन लोगों को, इसी दिन के लिए तो मैंने इतने इतने सारे सारे शराब के ठेके नहीं खोले थे कि एक दिन मुझे जेल में जाना पड़ेगा, समझ में नहीं आता क्या चाहते हैं लोग, क्या गलत किया है मैंने बताओ, अंबर जी लॉजिकल बात कर रही हैं और ये लोग इलॉजिकल बात करते हैं, इनको अंबर जी से सीखना चाहिए, पर ये लोग सीखते नहीं है, ये लोग जमीन पे रहते हैं, जमीन से सीखते हैं, अंबर से नहीं सीखते ये लोग। अब तो जमीनी नेता हैं, जमीन की बात करते हैं, जमीन के लोगों की बात करते हैं, लेकिन आप तो आजकल लग्जूरियस हो गए हैं काफी, जेल जमीन में। जमीन पे सोता हूँ जेल में, हमने तो सुना है कि आपको काफी एहतमाम इंतजाम है आपके लिए जेल में, कुछ भी इंतजाम नहीं है वहाँ, सिर्फ एसी लगा हुआ है, टीवी लगा हुआ है, पार्टी के नेताओं के भी खासे इंतजाम रहे, वीडियोस भी वायरल हुई, मसाज मिली जेल में, तिहाड़ में, वो आपको मसाज लगती होगी लेकिन उसके पीछे भी साइंस थी, कौन सी साइंस है वो, थेरेपी चलती है वहाँ पे, थेरेपी, ओके, हाँ, उसको पैरों में दर्द होता था तो फिर वो मसाज अपनी कराता था, वो पैरों को दबाते थे तो दिमाग का काम फिजिक्स हुआ ना, नहीं नहीं वो फिजिकल हुआ, लॉजिक की बात कीजिए, लॉजिक की, लॉजिकल अंबर विद तो अभी मुझे लगा था आप फिजिक्स की बात करेंगे क्योंकि हर जगह तो आप फिजिक्स ही डाल देते हैं, नहीं नहीं मैं मौका देख के रंग बदलता हूँ मैं, अच्छा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ अपना, कैसे करते हैं वो, एक टैलेंट होता है, कैसे कर लेते हैं, यही तो टैलेंट होता है, अगर मैं आपको बता दूंगा तो फिर आप भी रंग चेंज कर लोगे, नहीं नहीं, हाँ, नहीं, नहीं मैं बता नहीं सकता, ये मैं बता नहीं सकता, ये मैं अगर ये आतिशी को पता लग गया तो वो तुरंत चेंज कर लेगी, वो बीजेपी में मिलके पार्टी बना लेगी, वो बीजेपी तो इतनी बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है पर ये किसी को भी मिला लेते हैं अपने साथ, पता नहीं लोगों का हृदय परिवर्तन हो जाता है, मैं तो सबसे पहले आके मैंने अपने नेताओं का हृदय चेक कराया, मैंने हृदय रोग विशेषज्ञ के पास ले गया उनको कि इनका कहीं चेंज तो नहीं हो रहा है,
ठीक है सबका, एक ने तो निकलवा के रखा था, चेंज करवाने को तैयार था वो राघव, लेकिन हाँ फिर उसका हृदय वापस ला के आंख चेंज हुई है उसकी, आईज का ऑपरेशन हुआ है। आंखें बदलवा दी आपने? आंखें बदल गई हैं क्योंकि मुझसे आंखें नहीं मिला रहा वो, पता नहीं क्या हो गया, काला चश्मा लगा के आता है, मुझे लगता है मुझे देख रहा है वो उधर देख रहा होता है, नजरें नहीं मिला रहा है वो। मोहल्ला क्लिनिक से इलाज हुआ है उसका, मोहल्ला क्लिनिक लंदन, मोहल्ला क्लिनिक पे जब वो बैठा हुआ था तो वहाँ एक आदमी आया, उसने कहा सर लंदन जाओ। अच्छा। तो हुआ मोहल्ला क्लिनिक से ही है, मोहल्ला क्लिनिक ने नहीं, मोहल्ला क्लिनिक पे कोई आदमी आया हुआ था। अच्छा। उसने कहा सर यहाँ इलाज नहीं हो पाएगा आपका। अच्छा। आप लंदन जाओ। तो हुआ तो मोहल्ला क्लिनिक उस टीन के डब्बे के अंदर ही। अगर वो टीन नहीं होता, वो डब्बा नहीं होता, वो मोहल्ला क्लिनिक नहीं होता, तो आज हमारे राघव को परिणीति दिखाई नहीं देती। परिणीति तो पहले ही नजर आ गई थी, आ गई थी, लेकिन उसके बाद जब मुझसे नजरें मिलाए तो वो चली गई थी नजरें। वो इतनी सुंदर है, बताते हैं कि चकाचौंध में कुछ आंखों में उसकी प्रॉब्लम हो गई थी, उसने हमेशा तो दिल्ली में ही सब देखा है, तो हीरोइन ने हमारी पार्टी वालों ने देखी नहीं ज़्यादा। क्यों? पगला गया है वो, पगला गया है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि वो मिल गया है, हालांकि राघव तो वैसे ही भाजपा का है, रघुपति राघव राजा राम तो उन्हीं का ही है, पतित पावन। लेकिन मैंने उसका हृदय परिवर्तन होने से कुछ दिन के लिए 2 जून तक तो बचा ही लिया है, 2 जून के बाद तो भगवान। दो जून आप बहुत करें, 2 जून से क्या कनेक्शन है? 2 जून से पहले क्या है कि मैंने अपना चेकअप कराया है, जो बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स आए हुए थे, जो हमारे पूरे इससे बहुत प्रभावित हैं हमारी नीतियों से, उन्होंने मुझे टॉप टू बॉटम पूरा चेक किया है, मेरे सारे ब्लड सैंपल वैम्पल फेफड़े आँत सब कुछ चेक किया है। उन्होंने कहा है कि शायद मैं 2 जून के आसपास बीमार होने वाला हूँ। अंबर जी एक गाना आ रहा है मेरे दिमाग में, संजय का बुरा असर है ये, गा दीजिए। मेरा दिमाग खराब कर रखा है एक संजय ने और उस गंजे ने, दोनों ने लोगों ने फंसा रखा है मुझे। गंजा कौन? मैं नहीं, नाम नहीं बताऊंगा, मनीष ने, कहना मत उसको, डरता है। तो वो एक गाना मुझे आ रहा है अभी, पीता था, नहीं सॉरी पिलाता था जिसके लिए, बाबा करनी है आपको, आदत होती है बहुत जल्दी, बाबा एक बार फिर से करिए, बाबा थैंक यू, देखो लॉजिकल हवावा हो रही है। पिलाता था जिसके लिए बाबा, जिसके लिए करता था, पिलाता था जिसके लिए, जिसके लिए करता था एक ऐसी दिल्ली है जहां मैं भ्रष्टाचार कितनी पिलाई, कैसे पिलाई, क्या क्या बताऊं तुम्हें, क्या क्या बताऊं तुम्हें, बनाने से भी ना बनेगी 24 में मेरी सरकार, एकदम कमाल की बात की आपने। एक ऐसी दिल्ली थी जहां मैं भ्रष्टाचार करता था, बड़ी याद आती है उन दिनों की, जेल की गिरफ्तारी की, गिरफ्तारी वाला दिन तो बहुत अजीब था, मुझे कुछ भी नहीं समझ, 9 समन भेजे इन लोगों ने, 9 समन भेजे मुझे। पहली बार तो सम्मन आए तो मुझे लगा, क्योंकि हमें आदत नहीं थी सम्मन की, जब भी कोई बेल बजी तो हमें लगा कोई सम्मान आया है, तो बाद में पता चला कि वो सम्मन आया हुआ है। 9 बार में 8 बार नहीं गया, 9वें के बाद, 9वें में तो हो ही जाता है आपको पता है, तो वो 9वीं बार क्योंकि नवरात्रि भी आते हैं तो जी। मुझे जाना पड़ा, बहुत दुख भरी कहानी, वो लोग सीधे अंदर आ गए ईडी वाले, इतने इतने घंटे तक उन्होंने मुझे मेरे से पूछताछ करी, सबसे पहले उन्होंने मेरा फ़ोन ले लिया। अच्छा। अंबर जी दिल दहल गया, मेरा फ़ोन ले लिया उन्होंने, मैंने उनको बताया जी मेरे पास तो कोई फ़ोन ही नहीं करता है, बल्कि हमारे पास तो इनकमिंग का भी पैसा, आपको मैंने बताया कई बार कि हमारे नेताओं के पास तो आउटगोइंग का पैसा ही नहीं होता है, तो मेरे पास ना कोई फ़ोन आता है ना कोई जाता है। मिस्ड कॉल का पैसा रखते हैं? नहीं नहीं, वो मैंने सिर्फ कैलकुलेटर के लिए रखा हुआ है। इतनी पेटियाँ, इतने करोड़ रुपए, वो कैलकुलेटर के डब्बे, घी के, हाँ घी के डब्बे, वो साली खाली, मतलब वो उसके कैलकुलेशंस के लिए रखा हुआ है उन्होंने, उसके बाद बोले जी आपको जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे लगा शायद मेरे को वहाँ जाके मनीष मुझे और तीनों को साथ मिलाएंगे, हम वहाँ बांट लेंगे, इतना हिस्सा तेरा इतना मेरा। फिर राघव गायब हो गया, वो बहुत दिन तक गिनता रहा, हिसाब लगाता रहा, कुछ हुआ ही नहीं उसको, तो ये पकड़ के ले गई। ये बहुत दुख भरी कहानी होती है, ऐसे होता है, क्या बताऊँ मैं आपको। ये मफलर आप बहुत एडजस्ट कर रहे हैं, ऐसे मफलर क्यों पहनते हैं आप, वो भी गर्मी में? अभी सब लोग मेरे बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, दारूबाज, घोटालेबाज, तो इससे कान ढके रहते हैं, एक तो सबसे पहली बात ये है, और फिर
ये हमारा आइकॉन है। आप मुझे बताइए कि मुझसे पहले इस देश के अंदर ऐसे मफलर कौन मानता था, एक्सक्लूसिवली बता रहा हूँ बीइंग लॉजिकल विद अंबर पे आपके साथ, ऐसे कौन मानता था? कौन बताइए आप बताइए कहाँ बनता था? आपका भाई पूछ रहा है, नहीं पता होगा आपको, आप भूल गए हो उस महान आत्मा को। ऐसे मफलर बांधता था अफजल गुरु, अफजल बांधता था ऐसे। अफजल की यादों को मैंने मिटने नहीं दिया है साथियों, मैंने ऐसे मफलर बांधना ऐसे ही शुरू किया। अफजल हम शर्मिंदा है? अफजल हम शर्मिंदा नहीं है, तेरा मफलर जिंदा है। जब सोच जिंदा रहेगी जब तक ये मफलर, अब तो हम उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, वो जो कहते थे कि शर्मिंदा है तभी तो आप उसकी मफलर उनकी यादें जिंदा रखते हैं। हम शर्मिंदा इसलिए हैं क्योंकि वो चला गया हमारे सामने से, हम बचा नहीं पाए, हमारे बड़े बड़े वकील रात को 3 बजे बचा नहीं पाए उसको, जबकि मनीष 6 बजे उठ जाता है, अगर उस दिन 3 बजे उठ जाता तो शायद बचा लेता वो। अब तो हमने उसको टिकट भी सपोर्ट भी कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, वो जिसने कहा था कि अफजल हम शर्मिंदा हैं कि घर हर घर से अफजल निकलेगा। कन्हैया लाल तो पिट गया, कन्हैया कुमार वो लाल हो गया, वो लाल हो गया मतलब मैं उसे लाल हो गया। हाँ उसने कहा कि हर घर से अफजल निकलेगा, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। अब जिस घर में कुमार से लाल हो गया कन्हैया, वो जिस घर में रामलाल जाएगा वहाँ से रामलाल निकलेगा, जहाँ श्यामलाल जाएगा, अब जिस घर में अफजल गया होगा वहाँ से तो अफजल ही निकलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर घर से अफजल निकलेगा तो हर घर से मफलर निकलेगा। ये वही लुक है, छोटी मूंछ रखता हूँ वैसे ही चश्मा वैसा ही है, उसकी यादों को मिटने नहीं दूंगा मैं साथियों। मैं तभी सोच रही थी कि कहीं तो कुछ रिजेंबलेंस आ रही है। आ रही होगी, बिल्कुल आ रही होगी। मैं दिल पे हाथ रख के मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने इसीलिए बनाया है वो। गर्मी में कोई लॉजिक नहीं है वो मफलर का, बट हम तो लॉजिक की बात करते हैं। आप तो बीइंग लॉजिकल हैं ही भाई, बीइंग लॉजिकल हैं हम लोग। तो मैं सारी दिल्ली से कहना चाहता हूँ कुछ नहीं रखा इन बातों में, दिमाग से काम लीजिए, दिल से काम लीजिए। मैं आपको फ्री में पिला रहा हूँ और बहुत सारी फ्री की स्कीम्स लेके आ रहा हूँ, मिले ना मिले। सारे मार्शल्स को सैलरी भी देंगे हम, जिनकी रुकी हुई है उनकी भी देंगे, पेंशन्स भी देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी भी आपको धीरे धीरे साफ दिल्ली के अंदर मिलने लग जाएगा, बिजली भी आपको इतने झटके देंगे, बिजली के आपको इतने झटके देंगे कि दिल खोल जाएगा आपका। बस दिमाग में एक ही चीज़ रखनी है कि केजरीवाल आएगा और शराब पिलाएगा आपको। शराब नहीं रुकने देनी, क्योंकि मेरा नारा भी बदल गया है। पहले मैं कहता था इनकलाब जिंदाबाद, ऐसे बोलते थे ना, अब हमने बदल दिया उसको। हम उसको धीरे धीरे सोशलाइज कर रहे हैं कि फ्री शराब जिंदाबाद, फ्री शराब जिंदा, फ्री की शराब पी के पड़े रहो, अजगर की तरह पड़े रहो सारा दिन, आपको कोई टेंशन नहीं होगी, पी के सोते रहो, होता रहे यूक्रेन का रशिया की लड़ाई, तुम्हें क्या लेना देना है। इंडेक्स में ऐसे ही ऊपर आ जाएगा। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस आती है, वो बताते हैं कि वो कौन से वो होते हैं, वो हार्मोन्स वो काफी अच्छे हो जाते हैं, अच्छी वाली बना रहे हैं हम लोग। अच्छा हाँ, चुनावी मौसम है, देश भर में चुनाव का माहौल बना हुआ है और काफी आप भी एक्टिव नजर आ रहे हैं, आपको इसी वजह से पैरोल भी मिली है चुनावी प्रमोशन के लिए। देश और दिल्ली की जनता के नाम क्या मैसेज देना चाहते हैं अंत में? मैं दिल्ली की जनता को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जेल की दीवारें हमें बेवड़ों को शराब पिलाने से रोक नहीं पाएंगी। हमारे दो दो तीन तीन मंत्रियों के इस्तीफे हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 के और लेने पड़ जाए तो ले लूंगा, अपना नहीं दूंगा। मैं एक के साथ दो फ्री मानता हूँ, मैं जो मानता हूँ वो अपने ऊपर भी लागू करता हूँ। कौन फ्री है एक के साथ? मनीष का हुआ इस्तीफा, सतेंद्र का हुआ, गलत नहीं बोलता मैं, जो हुआ है वही बता रहा हूँ आपको। एक का मांगा था, दो का दे दिया इस्तीफा, फिर भी एक के पीछे पड़े हैं ये लोग, अच्छी बात तो नहीं है ना। ये लोग दो और ले लो, हमारा बड़ा दिल है, हम एजुकेटेड आदमी हैं, हम आम आदमी हैं, हम आपके बेटे हैं, आपके भाई हैं। शीश महल में रहते कैसे आम आदमी हैं? शीश महल में रहना ये तो पर्सनल वो हो गया ना, पर्सनल हो गई चॉइस। हमारे पास तो शीश महल नहीं है। अब आपके पास नहीं, आपने मेहनत नहीं की उतनी, मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। अब मैं जब जेल से आया मैंने बहुत मिस किया अपने शीश महल को, जेल से आने के बाद मैंने किसी से बात नहीं की, मैं रात को पर्दे ओढ़ के सो गया शीश महल वाले, बहुत सारे महंगे पर्दे ना, महंगे वाले हैं बहुत, रेशम वाले हैं। रात को स्विमिंग पूल जो हजारों करोड़ का बना रखा है उसमें छपड़ छपड़ करके नहाया मैं, एसी मैंने सारे उतरवा लिए घर के अपने, सारे एसी नीचे बिछा दिए। अब भी एक सवाल आया है केजरी बवाल जी, सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अभी ये स्वाति मालीवाल वाले केस में, उन्होंने कहा कि सीसीटीवी जो है वो लगा है, बेडरूम में भी लगा है, एंट्रेंस पे भी लगा है, लेकिन ड्राइंग रूम में नहीं लगा है, वो कैसे? एक मिनट, सौरभ को कैसे पता कि मेरे बेडरूम में सीसीटीवी लगा हुआ है? ये तो देश के लिए खतरा है, मैं सौरभ से बात करके इसका जवाब दूंगा। आपने देखा नहीं उन्होंने बोला है?
नहीं नहीं पीछे से लगवा दिया होगा उसने मेरे जाने के बाद, ऐसा तो नहीं हो सकता। ड्राइंग रूम में क्यों नहीं लगवाया? ड्राइंग रूम में तो लोग ऐसी ड्राइंग रूम में तो ड्राइंग्स बनती हैं, पेंटिंग्स बनती हैं, ड्राइंग रूम में सीसीटीवी का कोई मतलब नहीं है। वहीं पे तो स्वाति मालीवाल के साथ जो वो हुआ हादसा पेश आया वहीं पे था। अब ये तो उसकी प्लानिंग होगी कि यहाँ सीसीटीवी नहीं है तो यहाँ कर दो। ड्राइंग रूम में कोई लड़ाई झगड़े का मतलब नहीं होता, ड्राइंग रूम में तो ड्राइंग बनाई जाती है, बच्चे ड्राइंग बनाते हैं आके, तो तस्वीरें बनाते। मालीवाल के साथ ड्राइंग वहीं पे हुई? मालीवाल के साथ असल में कुछ भी नहीं हुआ है, वो हमारा आपसी मैटर है, हमारा पी है, हमारी नेता है। मैंने आपको बताया कि हमारे बीच में कुछ भी होता रहे तो ये सारा हमारा सीसीटीवी क्यों फोड़ रहे हैं? अगर हमारा सीसीटीवी भी होता हम उतार लेते उसको, डीवीआर भी तोड़ देते उसको, आग लगा देते। डीवी हमारा है ना, डीवीआर मैंने खरीदा हुआ है, मेरा राइट है। तो जनता की वजह से है ना सब। जनता किसकी है? जनता हमारी है। मैं सारे एसी बिछा के नीचे सोता हूँ उसके ऊपर गर्मी मिटाने के लिए, बहुत गर्मी में मरा हूँ जेल के अंदर, सारे एसी नीचे बिठा के उसके ऊपर सो जाता हूँ मैं। और मैं आज दिल्ली वालों को वादा करता हूँ, आप लोग जो मेरी बुराई कर रहे हो सारे चैनल पे बैठ के, शीश महल के अंदर बैठ के पिलाऊंगा दिल्ली वालों को, एक बार मुझे 7 सीटें जिता दो। 7 सीटों पे तो आप लड़ भी नहीं रहे, 40 सीट पे लड़ रहे हैं। 4 पे जिता दो तब भी पिला दूंगा मैं आपको, और बताओ। आज मैंने छूट दे दी 3 सीटों की, पूरे दिल्ली को शीश महल के अंदर बैठ के पिलाऊंगा। हम तो पीते नहीं, तो हमारे तो किसी काम का ही नहीं है। आप नहीं पीते लेकिन जो पीते हैं उनका दिल जानता है शीश महल के अंदर पीना कितनी बड़ी बात होती है। शीश महल है, वो नाम शीश महल है, शीशा नहीं है उसके अंदर, बहुत मजबूती से बना हुआ है। शीश महल के अंदर शीशा लगवाया और खुद को देखें कि आपने क्या क्या किया है। मैंने देखा है, बहुत बुरा लगता हूँ मैं इसलिए मैंने शीशे नहीं लगवाए इसके अंदर, बहुत गंदा लगता है। डर की वजह से? डर नहीं लगता मुझे, मैं खुद को फेस नहीं कर पाता। मैं क्यों फेस करूँ, क्योंकि मेरे डबल फेस है, एक शीशे में नहीं आते। वो बड़ा लगवा लीजिए, कलर चेंज कर देता, व्हाइट लाइट होती है मैं ब्लैक हो जाता हूँ तो ब्लैक आउट हो जाता है। लॉजिक है, बींग लॉजिकल विद अंबर। हाँ, ऐसा कोई गलत बात नहीं करते। 4 सीटें जिता दो, चौका मार दो दिल्ली के अंदर, शीश महल के अंदर बैठ के पिलाऊंगा दोस्तों आपको। मैंने उसके लिए अंदर एक अलग से वो बनाया है, बहुत वो बनाया है एकदम से, किसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव रूम, ऐसा आपने देखा नहीं होगा कहीं पे भी। अच्छा, आप बोलो मतलब गरीब आदमी पीने आएगा, रंग बताएगा, लाल वाली आएगी, क्या बात है, काली वाली आएगी, ऐसे घूमते हुए आएगी इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक के साथ दो आएंगे, रिवॉल्विंग। वो बहुत अच्छा एक्सक्लूसिव लगाया मैंने, बल्कि उसमें मैं शराब का स्विमिंग पूल भी सोच रहा हूँ बना दूँ। क्या बात, नहा लो उसके अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं, वही नहा लो, वही मैल उतारो, वही पी जाओ, सब वही पी जाओ। मैल तो मन में है हमारे, उसके शरीर पे नहीं है, मन के अंदर मैल होता है, हमारे मन में है ना। तो ये है आपका दिल्ली की जनता को लेके एक विजन, जो दिल्ली की जनता के साथ आप करना चाहते हैं। तो दिल्ली की जनता, आप देख रहे हैं कि केजी बवाल आपके लिए, खासतौर से देशवासी जिनको ये लुभाने के लिए देश भर में उतरे हुए हैं, जो उनको जमानत मिली इंटरिम बेल, बल्कि परोल कहना चाहिए, परोल पे आए हैं चुनावी प्रमोशन के लिए। और आप देखिए क्या क्या इनके मन में है। प्रमोशन के लिए नहीं आया, सेवा करने आया हूँ, जनता की सेवा करने आया हूँ जी। जनता की सेवा तो आप जेल से भी कर रहे थे, पर जनता मुझसे मिलके उनको लग रहा है कि मैं ठीक ठाक हूँ। जनता परेशान हो जाती है मेरे लिए, पांचों वक्त की दुआएं मांगती है, फिर वो अच्छा नहीं लगता। पांचों वक्त की दुआएं होती हैं आपके लिए जी, बिल्कुल। तो देखिए केजी बवाल जी का विजन जो देश और दिल्ली की जनता के लिए क्या है, और आपने इनको सुना और इनको देखा भी, इनका मैसेज भी सुना। और इसी के साथ केजी बवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी नानी कहा करती थी, मैं आपको आखिरी बार बता दूं, मेरी नानी कहा करती थी, मैंने जेल के अंदर रामायण पढ़ी है, मैंने गीताएं पढ़ी हैं जेल के अंदर, गीता पढ़ी है मैंने जेल के अंदर। मेरी नानी कहा करती थी कि बेटा अगर बाहर रामायण पढ़ लोगे तो जेल में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर मैंने नानी की बात नहीं मानी, तो आज मैं ऐसा हो गया हूँ साथियों। मैं बस आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप इनकी बात को मान लें, ये बहुत लॉजिकल है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, अंबर है इनका नाम, बहुत लॉजिकल है ये। तो केजी बवाल जी आज हमारे साथ जुड़े और उन्होंने देश और दिल्ली की जनता के लिए जो विजन है वो हमारे साथ साझा किया, और ख़ासतौर से गिरफ्तारी के बाद कैसा लगा, जेल में कैसा लगा, और अब क्या करना कुछ चाहते हैं, और पार्टी में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में इन्होंने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद केजी बवाल जी, आप हमारे साथ जुड़े। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार।